नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 3 दिनों के अंदर आपके सपनों का महल बनने वाले हैं। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज के इस बात को आप बिल्कुल ही मजाक में ना लें, क्योंकि दोस्तों भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। इस दुनिया के रचयिता तो भगवान ही है। भगवान अगर किसी ऊपर मेहरबान हो जाए तो दोस्तों कब दिन से उनके रात हो जाए वह समझ नहीं पाते, और कब उनके रात से दिन हो जाए वह समझ नहीं पाते। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि इस दुनिया में और कुछ नहीं है, सब ईश्वर की लीला है, जो कि व्यक्ति उनके आगे पीछे करता है और उनके लीला को समझ नहीं पाता है। जो भी व्यक्ति जानता है कि सब ईश्वर का खेल है, वो बहुत ही जिंदगी में तरक्की करते हैं। और जो लोग इन सभी बातों से अनजान होते हैं, भक्ति भाव पर यकीन नहीं रखते हैं, दोस्तों यह बात आप जानते होंगे कि उनके जीवनकाल में एक ना एक दिन समस्याएं अवश्य आती है और उनको वह समस्याएं घेर लेती है, और जीवन में कहीं ना कहीं उनको बहुत ही भारी नुकसान भी होता है। जय दोस्तों, और इसी प्रकार आप सभी को बता दें कि ईश्वर का ही आशीर्वाद है, जो कि इन 3 दिनों के समय अवधि में आप सभी की ग्रहों की बहुत ही शुभ स्थिति बनने वाली है, जो कि दोस्तों आपकी कुंडली के लिए बहुत ही लाभकारी स्थिति का निर्माण करेंगे। घर से जुड़े, सामाजिक जीवन से जुड़े सभी प्रकार के क्षेत्रों में यश में आपको लाभ मिलने वाले हैं। एक प्रकार से दोस्तों कहें तो यश में आपके सपनों का महल खड़ा होगा, परंतु दोस्तों आपको यश में कुछ बातों का बहुत ही विशेष ध्यान रखना होगा। जी दोस्तों, हम आप शुभ बता दें कि आज का यह वीडियो पूरी तरह ग्रहों पर निर्मित है। इनमें आप जानेंगे कैसे आप यश में इन 3 दिनों के अंदर कौन से कार्य करेंगे ताकि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो सके। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप यश में कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे अपने जीवनकाल में कौन सी विशेष साधनें रखेंगे ताकि धन की आवक आपकी बढ़ जाए, और आपके जीवनकाल में कैसे आप समस्याओं को दूर कर पाएंगे, सभी जानकारियाँ बहुत ही गहरी तरीके से इस वीडियो में समाहित है, वो भी ग्रहों के गोचर पर आधारित। जी दोस्तों, अगर आप आज के इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ का ऐसा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा कि जीवन नहीं बल्कि आने वाले 7 जन्म भी आपका संवर जाएगा। जी दोस्तों, उससे पहले दोस्तों जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव लिख दें। भगवान भोलेनाथ का असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। साथ ही दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपको आने वाले 3 दिनों के अंदर जीवन की सबसे बड़ी खुशियां मिलने वाली है, परंतु दोस्तों आपको अपने जीवनकाल में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान रखने होंगे। हम आप सभी को बता दें कि इन 3 दिनों के अंदर आपको बता दें कि परमात्मा के साथ बैठिए इतने गहरे भाव से कि आपके आंसू आ जाए। किसी प्रकार की कोई आकांक्षा या फिर मांग न रखें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान आपको बिन मांगे जब देते हैं तो उनके सामने आप मांग क्यों रखेंगे। परमात्मा का होना ही एक बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है, मांगना नहीं पड़ता है, बस उनके सामने आप सिर झुकाकर बैठ जाइए। वे आपके सारी बिगड़ी हर लेंगे, वे आपकी सारी समस्याएं पहले से ही जानते हैं। जी दोस्तों, हम आप सबको बता दें कि उनके पास होने से ही सब मिल जाता है। जैसे फूल के पास जाओ तो खुशबू अपने आप मिलने लगती है। जी दोस्तों, इसी प्रकार परमात्मा ने सारी व्यवस्था पहले से की हुई है, मांगने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं, कोई भी जरूरत नहीं, बस उनके पास जाना है और उनकी शरण गति स्वीकार कर लेना है, उनके बताए मार्ग पर आपको चलना है। जो भी भगवान संदेश देते हैं वश में आपको उनको अपने आप पर ढालना है कि ईश्वर हमको कौन से संदेश देते हैं। तो दोस्तों हमारा कर्तव्य बस इतना ही है कि बाकी सब स्वयं ही हो जाता है। जी दोस्तों, तो आपको करना क्या है कि इन 3 दिनों के अंदर आपको भक्ति भाव पर बहुत ही गहरी विश्वास रखना है। यूँ कहें तो एक प्रकार से भगवान पर जिन्हें आप मानते हैं उनके ऊपर लीन हो जाना है, उनके ऊपर अपने जीवन की सारी कार्यों को छोड़ देना है। और दोस्तों देखिए कि आपके जीवनकाल में कितने अच्छे आपको मौके मिलेंगे, यूँ कहें तो आपके सपनों का ही महल खड़ा हो जाएगा। जी दोस्तों, तो दोस्तों इन बातों का ध्यान आपको अगले 3 दिनों के अंदर रखना है। तो आए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि अगले 3 दिनों के अंदर आखिर भगवान भोलेनाथ आप सभी के जीवनकाल में जो ग्रहों की शुभ स्थिति बनाए हैं, जो घरों में इतने अच्छे बदलाव किए हैं, आखिर आपके घर के माहौल में पारिजन में आपको कौन कौन से बड़े बदलाव करने वाले हैं, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां अगले 3 दिनों के अंदर आपको देने वाले हैं। तो आए दोस्तों बात करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा
कि दोस्तों वीडियो के मध्य में हम आपको भगवान भोलेनाथ का हुआ ज्ञान देने वाले हैं, भगवान भोलेनाथ के वह संकेत बताने वाले हैं जिन्हें अगर आप सुन लेंगे, जिन्हें अगर आप समझ लेंगे तो दोस्तों अगले 3 दिनों के अंदर आप सभी का जीवन सफल हो जाएगा। जी दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों यह समय पिछली कुछ कमियों से सीख लेकर आगे बढ़ने का समय होगा। यह समय किसी महत्वपूर्ण कार्य के प्रति आपकी कोशिश भी कामयाब होगी तथा अपने नजदीकियों के साथ संबंधों में भी आश्चर्यजनक सुधार आएगा। और दोस्तों आप अपने जीवन साथी किसी कार्य की कोई नई शुरुआत भी करेंगे। इसके उपरांत दोस्तों कभी कभी फालतू कामों में और दोस्तों के साथ ज्यादा घूमने फिरने से या फिर घूमने फिरने में समय बिताने से महत्वपूर्ण कार्य भी यश में रुक सकती है। यह समय पूरा ध्यान अपने कार्यों पर लगाकर रखना आपके लिए अति आवश्यक होगा। दोस्तों किसी प्रकार की दुविधा की स्थिति में घर के अनुभवी व्यक्ति की सलाह यश में आप अवश्य लें, ये आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। दोस्तों आपके लक्ष्य की प्राप्ति को और तेजी से बढ़ रहे हैं, फिर भी जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक आपको समाधान मिलना मुश्किल हो सकता है। अधिक से अधिक वर्तमान में रहकर अपने प्रयत्नों को जारी रखें। दोस्तों आपके प्रयत्न में बाधा डालने वाले लोगों से इसमें दूरी बनाकर रखें और जितना हो सके उतना उनसे वाद विवाद करने से बचें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपकी लोकप्रियता के साथ साथ जनसंपर्क का दायरा भी यश में बढ़ेगा। कुछ राजनीतिक लोगों से मुलाकात भी आपके लिए लाभदायक साबित होगी। प्रभावशाली लोगों के जो सानिध्य में समय व्यतीत करने से आपके व्यक्तिगत में भी निखार आएगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय किसी भी प्रकार का लोन या फिर उधार लेने से योजना न बनाए दोस्तों, क्योंकि भविष्य में उसे चुकाने में दिक्कत आ सकती है। साथ ही दोस्तों किसी भी व्यक्ति के साथ धन संबंधी लेन देन बिल्कुल ना करें, कई बार ज्यादा सोच विचार करने से समय हाथ से निकल जाता है। साथ ही दोस्तों परिवार के सभी सदस्यों की आर्थिक परिस्थिति अच्छी रहेगी, परिवार के किसी व्यक्ति को उनके कार्य के लिए सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। दोस्तों सामाजिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी जो नए लोगों के साथ जान पहचान बढ़ाने के लिए उपयुक्त होगी। दोस्तों बच्चों की जरूरतों को नजरअंदाज यश में ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे कई प्रकार की गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी, साथ ही दोस्तों सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। वहीं दोस्तों मन मुताबिक पेमेंट वापस मिल जाने से मन में राहत मिलेगी। धार्मिक संस्थाओं में सेवा संबंधी कार्य के प्रति पूर्ण योगदान रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपको किसी काम के प्रति निर्णय लेने से कुछ दिक्कतें आ सकती है, इसके लिए अति आवश्यक है कि घर के वरिष्ठ व्यक्ति या फिर अनुभवों की आप सलाह लें। दोस्तों अनजान व्यक्ति पर विश्वास करना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, तो इसका ध्यान रखें। यह समय आपके लिए जो समय होंगे आप पर डिप्रेशन और नकारात्मक बातों का प्रभाव अधिक दिखेगा, जिसकी वजह से आप सभी से दूर रहना पसंद करेंगे। दोस्तों आपके अंदर बन रही नकारात्मकता की वजह से आप जिन बातों में प्रगति देख रहे थे उन बातों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे दिन पारिवारिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से सुफल प्रदान करने वाला है। दोस्तों व्यक्तिगत कार्यों में सफलता मिलने से मानसिक शांति भी आप अनुभव करेंगे। कठिन से कठिन कार्यों में परिणाम आप अपने दृढ़ निश्चय शक्ति से निकालने में सक्षम रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों कभी कभी दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान कर बैठते हैं। दोस्तों यह समय ग्रह स्थिति यही अगवा कर रही है कि स्वयं पर भरोसा रखकर कार्य करें तभी सफलता प्राप्त होगी। तो समाज में पहचान बनाने का जो समय है यह बिल्कुल सही समय होगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपकी बढ़ती एकाग्रता काम के प्रति आपकी रुचि बढ़ाएगी और सफलता प्रदान करेगी। दोस्तों भूतकाल में निकलकर केवल भविष्य का ही विचार करते रहना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों आपके काम की गति को औरों द्वारा पकड़ पाना मुश्किल हो सकता है। दूसरों के लिए ये जो समय है अधिक वक्त ना निकालें, यह आपके लिए बेहतर होंगे। यह समय दोस्तों आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों व्यवसायिक स्थल पर कुछ नए अनुबंध मिलेंगे जो कि आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद साबित होगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों यह समय व्यवसाय में या फिर मार्केटिंग संबंधी कार्यों को निपटाने का उचित समय होगा। यह समय सारा दिन बाहर की गतिविधियों में व्यतीत होगा, कुछ ठोस निर्णय भी आप यश में ले पाएंगे। नौकरी में स्थिति जो है यश में मजबूत बनी रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे व्यवसाय को बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप आपके लिए लाभदायक साबित होगा। कार्य क्षेत्र में स्थान परिवर्तन संबंधी कार्यों में व्यवस्था बनी रहेगी। दोस्तों यश में परिवर्तन आपके लिए लाभदायक रहेगा।
नौकरी पेशा जो भी संबंध है यश में बहुत ही अच्छे रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों वैवाहिक जीवन यश में सुखमय रहेगा। प्रेम संबंधों में और अधिक नजदीकी आएंगी तथा विवाह में जो परिणित होने की अवसर भी यश में बनेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे किसी के प्रति बढ़ता आकर्षण आपके लिए जो है सकारात्मक बदलाव भी आएगा। दोस्तों यह समय इसके उपरांत आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे प्रेम संबंधों को पारिवारिक सहमति मिलने से विवाह संबंधी योजनाएं भी बन सकती है। दोस्तों घर में विवाह की तैयारियों को लेकर घर में उत्साह भरा माहौल भी यह समय रह सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य बना रहेगा। घर का वातावरण भी यश में मधुर रहेगा। घर के किसी व्यक्ति के विवाह संबंधी बातचीत भी यश में चल सकती है। इसके उपरांत ही दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे दोस्तों पारिवारिक माहौल यश में सुखमय बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों स्वास्थ्य यश में उत्तम रहेगा, परंतु थोड़ी सी खांसी जुकाम जैसी परेशानी महसूस हो सकती है। जरा सी सावधानी यश में आपके लिए बचाव करेगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे कभी कभी माइग्रेन तथा सिर दर्द की वजह से समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए दोस्तों यश में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। शादी दोस्तों यश में कभी कभी मौसम में बदलाव के कारण आपके ऊपर आलस भी हावी हो सकती है। दोस्तों यश में आपको बार बार आगाह किया जाता है कि गले से संबंधित किसी भी इन्फेक्शन हो सकती है, इसलिए दोस्तों इन्हें गंभीरता से लें और तुरंत इलाज लें।